हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज जो अपकमिंग झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में हम लोग चैनल पे ऑलरेडी कुछ टॉपिक एमसीक्यूज़ ये सब कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे उसके एस्पेक्ट में आपने देखा होगा एक यूनिट है हमारे पास जिसमें ट्राइब्स को लेके बात की गई है, और झारखंड स्पेसिफिक भी बहुत सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट डरेंगे नहीं कि ये सब इंग्लिश में ही कंटेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंग्लिश में है एंड देन वी हैव ऑल दीज क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास हिंदी में भी प्रेजेंट हैं। तो ये मैं आपको एजुकेशन हॉटस्पॉट चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी पीडीएफ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव भी रख सकते हैं। एंड ट्राइब्स को लेके जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल है, उसमें आपको कोई कहानी समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि समझना पड़ेगा कंसेप्ट, आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी कौन सी ट्राइब किससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अगर आप लोगों को लगेगा कि ये बेनिफिशियल है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बताएंगे, सो दैट इन अपकमिंग 10-12 दिनों में हम लोग और कंटेंट क्रिएट कर सकें। 8 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन झारखंड। यहाँ चार नाम दिए हैं ट्राइब के आपको, और पूछा है झारखंड में इनमें सबसे ज्यादा ट्राइब कौन सी देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर है संथाल। संथाल ट्राइब जो है, देखिए हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये आंसर क्या हो गया, संथाल। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, करम पर्व मुख्य रूप से झारखंड की किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। चार जनजाति के यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं, और पूछा गया है कि ये जो करम फेस्टिवल है ये किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन, मैं सीधा करेक्ट की बात कर रही हूँ, उतना टाइम नहीं है कि अब एक एक वर्ड मैं पढ़ूँ, और ये आंसर भी डायरेक्टली आप लोगों के सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास है ये उड़ान आपकी ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ट्राइब जो है वो जानी जाती है सुराही पेंटिंग ट्रेडिशन के लिए। सुराही जो है वो एक फॉर्म ऑफ पेंटिंग होता है, किस तरीके की पेंटिंग है, क्या पेंटिंग है वो नहीं जानिए, पेंटिंग का फॉर्म है। तो कौन सी ट्राइब जो है ये पेंटिंग, ये जो चित्रकला है इसकी प्रैक्टिस करती है, तो ये है मुंडा ट्राइब। अब ये ट्राइब कुछ ना कुछ परसेंटेज में, कोई बहुत ज़्यादा, जैसे देखा संथाल बहुत ज़्यादा या कम रूप में हमें झारखंड में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल हेड ऑफ मुंडा विलेज, जो मुंडा विलेज होते हैं, मुंडा ट्राइब के जो विलेज हैं उसके जो परंपरागत रूप से जो उसके हेड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है पाहन। यहाँ हिंदी में भी यही चीज़ें मैं रिपीट भी कर रही हूँ, देखिए क्वेश्चन, मुंडा गांव के जो पारंपरिक मुखिया होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पाहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की कौन सी जनजाति, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी जनजाति अपने लोहे के गलाने की परंपरा के लिए जानी जाती है, कि वो क्या कर रहे हैं, वो आयरन मेल्ट कर रहे हैं, ये एक आयरन मेल्ट करके इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो कौन सी जनजाति इसके लिए जानी जाती है। तो चार यहाँ पे हैं, उनमें से जो असुर जनजाति है वो इसके लिए जानी जाती है। नेक्स्ट जो है सरहुल पर्व, जो नए साल की शुरुआत को चिन्हित करता है, सरहुल फेस्टिवल है जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को शो करता है, ये कौन सी जनजाति मनाती है, जो भी प्रेजेंट है वहाँ पे, ये चार जनजाति के नाम देख रहे हैं, कौन सी जनजाति मनाती है, तो मुंडा जनजाति जो है वो ये फेस्टिवल मनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी जनजाति अपने झूमर नृत्य के लिए, अब डांस के बहुत सारे फॉर्म है, इसमें झूमर नृत्य के लिए जो है वो फेमस है। तो यहाँ पे अगेन जो सबसे लार्जेस्ट थी संथाल जो है वो फेमस है झूमर के लिए। इंग्लिश में भी यही है कि विच ट्राइब इज़ फेमस फॉर द डांस, झूमर डांस फॉर्म, तो आंसर हो गया संथाल। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में हो जनजाति, ये हो एक जनजाति है, हो जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, व्हाट इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हो ट्राइब का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। इस ट्राइब के मेनली जो लोग हैं मुख्यतः वो किस में देखने को मिलते हैं, हमें कृषि में देखने को मिलते हैं। फिर है टोटेम प्रणाली, टोटेम मतलब जहाँ आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी एनिमल को एक पवित्र वो मान के उसकी वर्शिप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो जहाँ प्रत्येक कुल का संबंध किसी विशेष जानवर या पौधे से होता है, ये किस जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। टोटेम का कंसेप्ट अगर सोशियोलॉजी में हम देखें तो हमने बात की थी, अमाइल दर्कीम ने दिया है, और भी बहुत सारे थिंकर्स ने इसकी बात की है, शुरुआती दौर पे अमाइल दर्कीम ने इसकी बात की थी। तो टोटेम प्रणाली जो है उन्होंने बता दिया कि क्या होता है, जानवर या पौधे से आप किसी चीज़ को रिलेट करते हो, हर कुल के अलग अलग टोटेम यहाँ पे हो सकते हैं, तो ये कौन सी जनजाति अपनाती है, तो ये भी संथाल ट्राइब हमें अपनाती हुई देखने को मिलती है। नाउ
लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. अभी क्या लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड की कौन सी जनजाति जो है वो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. ये PVTG गवर्नमेंट क्लासिफाई करती है, कुछ ट्राइब को PVTG ग्रुप में डाल देती है, उनके लिए फिर स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट बना के चलती है. तो ये कौन सी ट्राइब है चारों में से? तो ये ट्राइब है हमारी बिरहोर ट्राइब, राइट. इन चारों में से बिरहोर ट्राइब है जो PVTG के अंदर आती है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपकी हेल्प कर रहे हैं, समझ में आए हैं. एंड इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चन लाइक दिस, अगर आपको चाहिए हम इस तरीके का और कंटेंट कवर करें झारखंड के फेस्टिवल्स को लेके, झारखंड के एक्ट पॉलिसीज लॉज को लेके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो झारखंड स्पेसिफिक बिल्कुल आने ही आने हैं हमारे एग्जाम में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे ही आई विल ट्राई टू मेक मोर कंटेंट. जितना मतलब लाइक कमेंट आएगा जो मुझे लगेगा कि स्टूडेंट को एक्चुअली में नीड है, स्टूडेंट एक्चुअली में वीडियोज़ देख रहे हैं, देन आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़. 3-4 वीडियो एक